अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का मसला अभी तक बना ही हुआ है, जहां एक तरफ अभी भी जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो जम्मू में भी और कश्मीर में भी सड़कों पर उतरे हैं और लगभग 9-10 दिन हो चुके हैं उन्हें भी प्रदर्शन करते हुए ये मांग रखते हुए कि उनकी लिस्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए और लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। वहीं रिसेंटली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने लोकसभा में इन 972 सिलेक्टेड FAA कैंडिडेट्स का मसला उठाया है और डिमांड ये की है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें बगैर किसी डिले के अपॉइंट किया जाए। जहां तक बात है इन FAA के कैंडिडेट्स की, आपको दिन में भी हमने इन FAA के कैंडिडेट से जब बात की तो आपको बताया कि इनकी मांग ये है कि अगर कहीं पर धांधली हुई भी है, अगर इंक्वायरी चल रही है, अगर कहीं पर धांधली निकल कर भी आती है तो जो लोग इस धांधली में इन्वॉल्व हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लिस्ट को फिल्टर आउट किया जाए ताकि ये मालूम चल सके कि कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने स्कैम किया है, लेकिन जो बाकी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं जिनकी कोई गलती नहीं है उन कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाए। इसी में अगर बात की जाए तो जिस समय जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करने का फैसला सरकार ने लिया, उसी के कुछ ही दिन के बाद हमने आपको बताया कि रिकॉर्ड मंगवा लिया गया था JKSSB से, इस FAA की भी रिक्रूटमेंट के जितना भी रिकॉर्ड है वो मंगवा लिया गया था और उसके अलावा JEE सिविल जल शक्ति का रिकॉर्ड भी मंगवाया गया था और उन दोनों को लेकर जो है इंक्वायरी कमेटी बैठी है, जैसे उसी 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी को ये काम सौंपा गया है कि वो मालूम कर सके कि इन दो रिक्रूटमेंट्स में भी कहीं बेजाबतगियां तो नहीं थी। तो फिलहाल अभी इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं की है, लेकिन इंक्वायरी कमेटी जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और जो भी रिकमेंडेशंस देती है उसके ऊपर फाइनल फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को ही लेना है। अभी इंक्वायरी चल ही रही है, लेकिन इसी के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने लोकसभा में जो है इस मुद्दे को उठाया है और अटेंशन जो है वो कॉल की है इसी बात को लेकर कि जो रिक्रूटमेंट का सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में उसमें उन्होंने मांगे की है कि 972 फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो ये मांग रखे हुए हैं कि उन्हें अपॉइंट किया जाए। उन्होंने भी ये मांग रखी है कि इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को विदाउट एनी फर्दर डिले सिलेक्ट किया जाए। जहां तक बात है इस रिक्रूटमेंट का, तो अनएम्प्लॉयड युवाओं से जब आप बात करते हैं या उन युवाओं से जब आप बात करते हैं जिन्होंने अलग अलग रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरे हैं, तो वो जरूर ये कहते हैं कि SI के मामले में जब से ये इंक्वायरी बिठाई और उसके बाद रिकमेंडेशन दे दी गई और उसमें CBI प्रोब ऑर्डर हो गया, तब से अनसर्टेनिटी बनी हुई है बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को भी लेकर। एक तरफ जहां पे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि एक री एग्जामिनेशन गैंग जो है वो एक्टिव हो चुका है, वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि वो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट नहीं हो पाए वो कैंडिडेट्स अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से एग्ज़ाम की जो इंटेग्रिटी है, एग्ज़ाम जिस तरीके से हुआ है उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल खड़े किए जाएं ताकि री एग्ज़ाम हो और उन्हें मौका मिल पाए। वहीं वो एस्पिरेंट्स जिनका ये कहना है कि JKPSI में भी स्कैम हुआ है, जो FAA में भी स्कैम के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि पैसे की लेन देन अगर हुई है और उनका ये कहना है कि अगर SI में स्कैम हो सकता है तो FAA में भी प्रोब करके मालूम करना चाहिए कि कहीं इसमें भी तो स्कैम नहीं हुआ है। वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं वो कैंडिडेट्स की मेरिट ट्रैक एजेंसी, जिस एजेंसी को काम सौंपा गया था, जो एजेंसी जो है JKPSI की रिक्रूटमेंट के साथ भी जुड़ी हुई थी, उसी ने JKSSB की और भी कई सारी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हिस्सा लिया है, उस मेरिट ट्रैक एजेंसी के ही अगर उसी की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, उसने पहले भी अलग अलग स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, जहां जहां पर रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस में मेरिट ट्रैक एजेंसी इन्वॉल्व रही है वहां पर अगर धांधलियों के इल्ज़ाम लगे हैं तो JNK में भी मेरिट ट्रैक एजेंसी जिन जिन रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व की गई थी उन सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में इंक्वायरी होनी चाहिए, यह मांग एक सेक्शन जो है वो एस्पिरेंट्स का कर रहा है। लेकिन वहीं FAA के एस्पिरेंट्स जो है वो पॉइंट आउट ये करते हैं कि BOPI के मामले में अगर लिस्ट फिल्टर आउट की जा सकती है, नीट के मामले में अगर कहीं पर इल्ज़ाम लगते हैं कि लिया हुई हैं वहां पर कहीं पर एग्जाम्स को लेकर जो है कि ना कहीं ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो उन मामलों में अगर लोगों को आइडेंटिफाई करके लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है तो उनकी यही मांग है कि इंक्वायरी में चाहे 1-2 महीना भी लग जाए लेकिन सरकार को कम से कम क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए कि फाइनली रिक्रूटमेंट के साथ होगा क्या। उनका यह भी कहना है कि JKSSB का जहां तक ताल्लुक है कि अगर JKSSB के पार्ट पर कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कहीं बेजाबतगियां हुई हैं या कोई डिस्क्रिपेंसीज, प्रोसीजरल
डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल JKSSB के ऑफिशियल्स को ठहराने की जरूरत है, उसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं, तो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो जल्द से जल्द आनी चाहिए। जहां तक बात है सरकार ने ऑलरेडी इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, जब तक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक सरकार कोई फैसला ले ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिलहाल लोकसभा में इस मुद्दे को जरूर उठाया गया है और बात की गई है उन 972 FAA के कैंडिडेट्स की, क्योंकि 972 पोस्ट थी FAA की, उन कैंडिडेट्स की बात की गई है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है और जो इस समय जम्मू में भी और कश्मीर में भी धरने पर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी फाइनल लिस्ट कब आएगी। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि जिस समय इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आती है रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, और वहीं जहाँ JEE सिविल जल शक्ति का ताल्लुक है उसके एस्पिरेंट्स भी सोशल मीडिया के जरिए और अन्य तरीकों से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों में भी एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी यही चाहते हैं कि उनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा कि लगभग 2 हफ्ते पहले जो है उन्होंने भी एक प्रदर्शन किया था जम्मू में प्रेस क्लब में, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि उन्हें भी अब अनसर्टेनिटी जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को लेकर इतनी बन चुकी है कि उन्हें भी डर और घबराहट इसी बात की है कि एग्जाम देने के बाद सिलेक्ट हो जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट को जो है वो फाइनली स्क्रैप कर दिया जाए। जो लिस्ट को स्क्रैप करने का एक फैसला JKPSI के मामले में किया गया, उसके बाद से जो भी युवा अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में एंगेज हैं उनका ये कहना है कि अब एक डर माइंड में बैठ गया है कि हम रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में जाकर फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हतमी नतीजे निकलते हैं, तो नतीजों के निकलने के बाद देखने को ये मिलता है कि कहीं पर भी अगर बेजाब्तगियों के इल्जाम लगते हैं तो सीधा लिस्ट को ही स्क्रैप कर दिया जाता है। वहीं JKPSI के एस्पिरेंट्स ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर FAA के मामले में सरकार ये फैसला लेती है कि लिस्ट को फिल्टर आउट किया जाए और लिस्ट स्क्रैप नहीं होती तो ये अनफेयर होगा उन JKPSI के एस्पिरेंट्स के साथ जो कि ठीक तरीके से हार्डवर्क करके जो है वो लिस्ट में आए थे, क्योंकि उनके मामले में उनका ये कहना है कि अगर कुछ लोग इन्वॉल्व थे, मान लीजिए 200-300-400 लोग इन्वॉल्व थे, तो उनकी वजह से जो बाकी भी कैंडिडेट्स हैं 1200 क्योंकि पोस्ट SI के मामले में भी थी, तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये कहना है कि फिर हमारा क्या कसूर कि हमारी लिस्ट को फिल्टर आउट नहीं किया गया, हमारी लिस्ट को स्क्रैप किया गया। अब देखना यह होगा कि आज लोकसभा में तो इस मामले को उठाया गया है, अब आगे जब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आती है तो जम्मू कश्मीर की सरकार इस रिक्रूटमेंट के मामले में क्या फैसला लेती है और क्या एक पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है कि अब जो भी रिक्रूटमेंट की जाएगी उस रिक्रूटमेंट के मामले में अगर इल्जाम लगते हैं धांधलियों के तो इसी तरीके से रिक्रूटमेंट लंबा समय लेती रहेगी।